दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में फिर पेपर लीक, परीक्षा शुरू होते ही बाहर आए तृतीय स्नातक सवाल, मचा बवाल। जी हां देखिए, बिहार में एक बार फिर पेपर लीक हो गया है। छात्रों का दावा है कि तृतीय स्नातक के सवाल पहले से बाजार में थे, जो परीक्षा में पूछे गए सवाल से एकदम मिलते जुलते थे। पेपर लीक होने की सूचना के बाद छात्र हंगामा करने लगे। बीपीएससी तृतीय स्नातक परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। यह परीक्षा 8 साल बाद हो रही है, इससे पहले 2014 में हुई थी। वही देखिए, बताया जा रहा है कि परीक्षा की पहली शिफ्ट सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक थी। वहीं 11 बजे के आसपास पेपर वायरल हो गया। बीपीएससी पेपर लीक के मामले के बाद सक्रिय रूप से आंदोलन करने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक हुआ है, उनके पास 11 और 11:15 बजे के बीच यह आया है और उसके बाद उन्होंने ही मीडिया और अधिकारियों को भेजा है। दिलीप ने बताया कि परीक्षा 10 से 12:15 तक होनी थी। यह बोरिंग रोड स्थित एएन कॉलेज सेंटर के पास पहुंचे, जैसे ही परीक्षा खत्म हुई तो उन्होंने परीक्षार्थियों से पूछा कि क्या यही सवाल था, तो कहा गया कि हूबहू यही प्रश्न आया था। इससे साफ जाहिर होता कि सचिवालय सहायक की परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। तो वहीं देखिए बड़ी खबर, सचिवालय सहायक परीक्षा के वायरल प्रश्न पत्र की जांच करेगी ईओयू, रद्द हो सकती है परीक्षा। जहां देखिए बड़ी खबर है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो सकती है। आयोग ने वायरल प्रश्न पत्र मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी है। वहीं देखिए ईओयू को आयोग ने कुछ तथ्य भी भेजे हैं जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि आयोग के सचिव सुनील कुमार ने अभी तक परीक्षा को रद्द करने की बात नहीं कही है। उन्होंने बताया कि परीक्षा को लेकर आयोग काफी गंभीर व संवेदनशील है। यदि प्रश्न पत्र केंद्र से बाहर आने और इससे परीक्षा प्रभावित होने के बाद थोड़ी भी सही पाई गई तो प्रथम चरण की परीक्षा रद्द करने में विलंब नहीं किया जाएगा। आयोग के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी। इसका पेपर 11:09 पर वायरल हो गया था। परीक्षा का जो पेपर वायरल हुआ है उसका मिलान करने पर सही पाया गया। वहीं आयोग के अनुसार परीक्षा में कुछ प्रशासनिक त्रुटियां सामने आई है, इसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर में देखे, नीतीश सरकार ने राजस्व विभाग के 10,100 पदों पर बहाली रद्द की, अब नए सिरों से नियुक्ति होगी। याद देखिए, बिहार के नीतीश सरकार ने राजस्व विभाग में 10,000 से ज्यादा पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अब इन पदों पर नए सिरे से नियुक्ति होगी। यह नियुक्ति अब बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के माध्यम से होगी। कैबिनेट ने पिछले दिनों ही नियुक्तियों के लिए नई नियमावली की मंजूरी दी थी, उसी को देखते हुए प्रक्रिया को रद्द किया गया है। अब नए नियमों के साथ प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। बता दें कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त बस अधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण आमीन और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 10,100 पदों पर नियुक्ति होने वाली थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने इस संबंध में सूचना जारी की है। बड़ी खबर में, ठंड के चलते सरकारी स्कूल 26 से 31 तक बंद रहेंगे। यह देखिए, राज्य भर के सभी सरकारी विद्यालय शीतलहर को देखते हुए 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत पत्र भेजा है। गौर है कि बढ़ती ठंड व शीतलहर के कारण जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों व प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघों द्वारा विद्यालय को बंद करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को 26 से 31 तक अवधि में सरकारी स्कूलों को बंद करने पर विचार का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण वे अपने अपने जिलों में स्कूलों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस पर निर्णय ले सकते हैं। तो वहीं बड़ी खबर में देखिए, बिहार में छाया रहेगा कोहरा, शाम ढलते ही बढ़ेगी कनकनी, 26 से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जहां देखिए पहाड़ी पर हो रही बर्फबारी से उत्तर बिहार का मैदानी इलाका ठंड की जद में आ गया है। दिन का पारा सामान्य से 2.5 डिग्री कम होने से ठंड पड़ने लगी है। सुबह 11 बजे तक कोहरे का असर दिख रहा है। वहीं देखिए मौसम विभाग ने बताया कि 4 दिनों के बाद तेजी से रात के तापमान में गिरावट आएगी। इस कारण बीते दिनों के मुकाबले तेज हवा के कारण ठिठुरन आने वाली और ठंड पड़ने वाली है। अगले 3 दिनों तक सुबह में घना कोहरा छाएगा, तो के बाद हल्की धूप निकलेगी, लेकिन शाम ढलते ही कनकनी महसूस होगी। वहीं देखिए उन्होंने आगे कहा कि सोमवार से मौसम साफ होगा, लेकिन रात में ठंड काफी बढ़ जाएगी, इससे बुजुर्ग व बच्चों को काफी परेशानी हो सकती है। दरअसल इस बार मौसम में लगातार बदलाव दिख रहा है। दिसंबर महीने में पहली बार शुक्रवार की सुबह में मौसम पूरी तरह बदला हुआ था, वहीं सर्द हवा से सिहरन महसूस हुआ है।
बाड़ेकर वर्दी के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए इस तारीख को करे पंजीयन, खोला जाएगा ई कल्याण पोर्टल। जहाँ देखिए शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिलों की तरफ से मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर 5.2 लाख छात्राओं की जगह केवल 1.84 लाख लाभुक छात्राओं की पहचान की है। इसी तरह बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 4.83 लाख बच्चों की तुलना में केवल 68% यानी कि 3,31,280 विद्यार्थियों को चिन्हित किया गया है। वहीं 100% लाभुक को योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए एक कल्याण पोर्टल पर एक बार फिर खोलने का निर्णय लिया गया है। यह पोर्टल 1 जनवरी 2023 से खोला जाएगा। इसके आधिकारिक आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को बिहार सरकार द्वारा राज्य की कन्याओं को कन्या उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 50,000 की धनराशि स्नातक डिग्री प्राप्त करने तक राज्य की कन्याओं को प्रदान की जाती है। बाड़ीखर में देखे 67वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा तिथि में किया गया बदलाव, अब इस तारीख को होगी परीक्षा। जहाँ देखे नगर निगम चुनाव के कारण 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तिथि एक दिन बढ़ा दी गई है। अब यह परीक्षा 29 के बजाय 30 दिसंबर से शुरू होगी। पटना में 19 जगह इसके सेंटर होंगे और इसमें करीब 11,700 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रवेश पत्र 24 दिसंबर से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नगर निगम चुनाव 28 दिसंबर को होने वाला है। चूंकि बीपीएससी ने पटना में जिन 19 स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था उसमें अधिकतर को मतदान केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए 23 दिसंबर को दो पालियों में सामान्य धन के दोनों पत्रों की परीक्षा होगी। इसमें पहली पाली में 9:30 बजे से और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। वहीं शनिवार 31 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक तथा समान हिंदी की परीक्षा होगी। वही 7 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ऐच्छिक विषय की परीक्षा होगी। बाड़ीखर में देखिए 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में बड़ा बदलाव की तैयारी, अब नहीं होगी कोई लिखित परीक्षा और इंटरव्यू। जी हां देखिए बिहार में 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर अब नई नियमावली बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने अब यह निर्णय लिया है कि विभिन्न वर्गों के 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर इस बार पंचायती राज संस्थान बहाली नहीं करेगी, बल्कि इसको लेकर जिला स्तर पर केंद्रीकृत इकाई गठित की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार यह केंद्रीकृत इकाई शिक्षक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की न केवल जिला स्तर पर काउंसलिंग करेगी बल्कि उन्हें नियुक्ति पत्र भी बांटेगी। इसके साथ यह पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड और नगरीय निकाय के दायरे में आने वाले सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय से ही बांटे जाएंगे। इसके अलावा 7वें चरण में शिक्षक के चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, साक्षात्कार भी नहीं होगी। हालांकि चयन करने वाली एजेंसी के 3 विकल्प सुझाए गए हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग में से किसी एक एजेंसी का चयन किया जाना है। 7वें चरण में शिक्षक कैटेगरी वही रखी जाएगी। बाड़ीखर में देखिए आईपीएल नीलामी में गोपालगंज के मुकेश कुमार को दिल्ली कैपिटल्स टीम ने 5.5 करोड़ में खरीदा। यह देखिए बिहार के गोपालगंज के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार 5.50 करोड़ रुपए में बिके हैं। दिल्ली कैपिटल ने उन्हें खरीदा है। मुकेश जिले के मणिकपुर गांव स्थायी काशीनाथ सिंह के पुत्र हैं। मुकेश कुमार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले चयन न्यूजीलैंड ए क्रिकेट टीम के विरुद्ध स्वदेश में होने वाली श्रृंखला के लिए हुआ था। उस श्रृंखला में हुए मैचों में मुकेश को 10 विकेट मिले थे। इसके बाद वे बांग्लादेश गए और वहां बांग्लादेश ए टीम के खिलाफ वाले टेस्ट में 6 विकेट लिए थे। बाड़ीखर में देखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से यात्रा पर निकलेंगे, शराबबंदी समेत विभिन्न मुद्दों पर लोगों से लेंगे फीडबैक। यह देखे सूचना एवं जनसंपर्क जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई मुद्दों को लेकर बहुत जल्दी फिर से यात्रा पर निकलेंगे और वे लोगों के बीच पहुंचेंगे। इसकी रूपरेखा बन रही है, सब कुछ तय होने के बाद इसके बारे में सूचना जारी की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान, जल जीवन हरियाली अभियान सहित अन्य मुद्दों को लेकर यात्रा निकल चुके हैं और लोगों के बीच पहुंचकर संवाद किया है। मंत्री संजय झा ने वे बातें शुक्रवार को जदयू प्रदेश मुख्यालय में आयोजित जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही है। बाड़ीखर में देखिए कोरोना जांच के मामले में बिहार टॉप पर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य की समीक्षा की। जब देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक कोरोना सैंपलों की जाँच लगातार कर रहा है। आपको बता दें कि देश में एक दिन में 1.5 लाख सैंपलों की जाँच हो रही है, जिसमें बिहार में सर्वाधिक 50,000 से अधिक सैंपल शामिल है। वहीं देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक के बाद बिहार
ने 27 दिसंबर को राज्य के सभी अस्पतालों और सेवाओं का मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया है। इसमें अस्पतालों में उपलब्ध आईसीयू प्लांट, आईसीयू बेड सहित चिकित्सक, पारा मेडिकल स्टाफ को मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना के नए केस नहीं मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई भी नई गाइडलाइन या सख्त निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। देखिए, कोरोना को लेकर अब बिहार में भी अलर्ट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर जांच शुरू करने का निर्देश। जहाँ देखिए, चीन अमेरिका समेत देश भर में कोरोना बेकाबू हो चुका है, अब भारत में भी इसका असर खतरा मंडराने लगा है। इससे पहले कि देश में हालात बिगड़े, बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के सभी हॉस्पिटल, एयरपोर्ट समेत अन्य भीड़ भाड़ वाले जगह पर अलर्ट जारी हुआ है। वही देखिए, कल अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने समीक्षा बैठक की, जिसमें कोरोना से बचाव करने पर चर्चा हुई। वही देखिए, बैठक में निर्देश दिया गया कि अब सतर्क रहना जरूरी है, इसीलिए भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जांच शुरू की जाए। चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, इन जगहों पर अलग अलग राज्य और अलग अलग देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इसलिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जांच शुरू की जाए। साथ ही मॉल, बाजार और अन्य भीड़ भाड़ वाले जगहों पर भी सतर्कता जरूरी है। खबर में देखिए, बिहार में 45 से ज्यादा रूटों पर चलेगी नई बसें, जनवरी से शुरू होगा परिचालन, लोगों को होगी सुविधा। जहाँ देखिए, बिहार में लोगों को बेहतर परिवहन सेवा देने के लिए राज्य के विभिन्न जिले से अप और डाउन दोनों के लिए 45 से अधिक रूटों पर नई बस चलाई जाएगी। इन बसों का परिचालन जनवरी से शुरू होगा। इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से आवेदन मांगा भी गया है। इस सेवा को निजी सहयोग से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ऐसे अंतर क्षेत्रीय मार्गों का भी चयन कर लिया गया जहां से बसों का परिचालन होना है। इन नए बसों के परिचालन से लोगों को एक से दूसरे जिला आना जाना और अब भी सुविधाजनक हो जाएगा। खबर में देखिए, स्टेशन पर अब नहीं करना होगा इंतजार, अब 20 किलोमीटर दूर से बुक कर सकेंगे जनरल रेल टिकट, पटना जंक्शन पर शुरू हुई सुविधा। जहाँ देखिए, बिहार में रेल से सफर करने वाले यात्रियों को अब पहले से अधिक सुविधा मिलने जा रही है। अब रेल यात्रियों को जनरल टिकट लेने के लिए घंटों लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब राज्य के रेल यात्रियों को रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर दानापुर मंडल ने UTS ऐप से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए तय की गई दूरी को बढ़ा दिया गया है। दरअसल अब जनरल टिकट लेकर सफर करने वाले यात्री अब अपने मोबाइल के के जरिए यात्रा शुरू करने से पहले स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर से ही टिकट बुक करा सकेंगे। हालांकि इससे पहले भी रेल यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन उसमें यह सुविधा ऐप पर 5 किलोमीटर के दायरे में ही मिल पाती थी। इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो गया है। रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर पूर्व मध्य रेलवे में इसकी शुरुआत कर दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।